हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फ़ोन पे की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन आना है। आई नो आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबको पता है कि फ़ोन पे क्या होता है। एक सोशल मतलब एक ऐसा ऐप है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। आपको भी पता है काफ़ी लोग आप में से यूज़ भी करते होंगे फ़ोन पे में। तो फ़ोन पे की ही वैकेंसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। काफ़ी अच्छी वैकेंसी इसकी निकली हुई है, आप सभी के लिए काफ़ी इजीली हो सकती है, पर ये प्राइवेट जॉब में आ जाती है, गवर्नमेंट तो नहीं है। 10th पास हो तो भी नो टेंशन, अप्लाई कर सकते हो। फीस लगनी ना लगनी है, फीस में एक पैसी भी नहीं लगनी, तो आप सभी का क्या जाता है। अगर अप्लाई करने का मूड हो तो कर देना। वैसे काफ़ी लोग इस समय यूपी कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको जीके के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। फ़ोन पे रिक्वायरमेंट 2024, इसमें बात करें फ़ोन पे की तो अप्लाई आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, जब तक इनका क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा, जब तक ये एप्लीकेशन फॉर्म को बंद नहीं करेंगे। सिलेक्शन कुछ भी नहीं होगा आपका, बस इंटरव्यू होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं, कुछ नहीं, केवल इंटरव्यू बेस आपका सिलेक्शन है। जॉब लोकेशन आपकी उसी डिपार्टमेंट, जैसे कि आप यूपी में रहते हो, यूपी के किसी भी उसमें रहते हो, तो आपके यूपी में ही रहने वाले इधर उधर भगाने वाली पोस्ट नहीं है। पोस्ट किस चीज़ की आके रखी गई है, तो पोस्ट जो है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंटेंट, सिक्योरिटी ऑफिसर्स, पैकिंग बॉयज, वेयर हाउस कीपर, फाइनेंस मैनेजर, ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर एंड इंजीनियर की पोस्ट रहने वाली है। सैलरी की बात करें तो आपकी 30,000 रुपये पर मंथ रहने वाली है। ये PM का जो मतलब है ना, ये पर मंथ से होता है, तो 30,000 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होने वाली है, तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कुछ भी नहीं लग रही है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया था, अगर आप 10th पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन पास हैं तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्क बस इतना है, फ्रेशर को थोड़ा हार्ड लगेगा और एक्सपीरियंस वाले बंदे को इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, बस इतनी सी बात है और अदर कुछ है नहीं। और बात करें इसके लास्ट डेट की, तो इसकी कोई लास्ट डेट ही नहीं है सच में, क्योंकि इसका ऐसा है कि जैसे इनके वैकेंसी का क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, वैसे ही ये लोग क्या करेंगे, वहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से बंद कर देंगे वैकेंसी, इनका ऐसा लफड़ा होता है। ठीक है, तो अगर आप सभी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि वो भी इसके लिए अप्लाई कर सके। थैंक यू।